दोस्तों, इस समय YouTube और Instagram पर आपको इस तरीके के वीडियो देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको पता है ये वीडियो कैसे बनाए जाते हैं? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक AI हूं। मुझे सोसाइटी इन्फो यूट्यूब चैनल की तरफ से बनाया गया है। अगर आप भी मेरे जैसे वीडियो बनाकर हजारों लाखों रुपये कमाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की क्लिप देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार के वीडियो क्रिएट करने की विषय में हम आज बताने वाले हैं। इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को इस समय इंस्टाग्राम या यूट्यूब के शॉर्ट पे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इजी स्टेप से आपको बताएंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे किस तरीके से इन वीडियोस को वायरल करेंगे। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से आपको इन प्रकार के वीडियो को क्रिएट करना है। इसके लिए आपको कुछ वेबसाइट की जरूरत लगती है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इस तरीके के वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत होती है, जो कि आपको पता नहीं है तो आप गूगल क्रोम से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने गूगल क्रोम में सर्च करते हैं मोटिवेशनल क्वेश्चन इन हिंदी, जैसे हम इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने मोटिवेशनल वेबसाइट काफी मात्रा में खुलकर आ जाती है। किसी भी वेबसाइट को ओपन कर आप वहां से इस प्रकार के मोटिवेशनल स्पीच को कॉपी कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। अब हमको इस कॉपी हुए स्पीच को क्या करना है, दूसरी वेबसाइट पर पेस्ट कर लेना है। अब हमको सर्च कर देना है एलिवेंट लैब। जैसे आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आप एलिवेंट लैब की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है। इसके अलावा आपके पास एक और भी वेबसाइट है जिसका नाम है नाराकिट। आप इसको भी ओपन कर यहां पर भी आप टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर आने के बाद आपको गेट स्टार्टर पर क्लिक करना है। यहां पर आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहां पर आपको अमेज़न अकाउंट से या फिर आप अपने जीमेल अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्रिएट ए न्यू ऑडियो फाइल्स फ्रॉम ए स्क्रिप्ट। यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ सर्चिंग बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में वॉइस में आप यहाँ अमिताभ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्क्रिप्ट में आपने जो कॉपी किया था उस स्क्रिप्ट को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ऑडियो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडिंग फाइल का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। बिल्डिंग योर ऑडियो यानी कि आपकी टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट किया जा रहा है। समय के बाद आपका ऑडियो जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अब हमको इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपको अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर में सर्च कर देना है लेक्सिका। जैसे आप लेक्सिका AI सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी का करेक्टर आप जो चाहिए यानी कि ओल्ड मैन या किसी भी प्रकार का करेक्टर आपको चाहिए उसको लिखेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का करेक्टर चाहिए उसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड वाला सैंपल भी देख सकते हैं या फिर आप इस फोटो पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाता है। इसके बाद में हमको फिर से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। वहां पर आपको टाइप कर देना है DID। इतना लिखकर जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने DIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर खुलकर आ जाती है कि आपको देखने में इस प्रकार से दिखने वाली है। यहां पर आप देखेंगे आपको फ्री ट्रायल का ऑप्शन दिखता होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गेस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन एंड साइन अप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहां पर अपनी मेल से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले से ही वीडियो यहाँ पर क्रिएट करके रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक नया वीडियो क्रिएट करना है। इसके लिए आपको क्रिएट वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप ऐड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके कंप्यूटर की या फिर मोबाइल की गैलरी ओपन होकर आ जाती है, जहां भी आपने उस करेक्टर को सेव किया था जो हमने डाउनलोड किया था उसको आपको सिलेक्शन कर लेना है और ओपन वाले ऑप्शन। तो आपका जो करेक्टर है वो यहां पर डाउनलोड होकर आ जाता है। उसके बाद में जो हमने ऑडियो सेव की थी उसको अपलोड करेंगे तो उसको अपलोड यहां पर आपको ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और अपलोड योर
वॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हमारी गैलरी में उस आईडियो को जहां भी हमने सेव किया था उसको यहां पर सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप इस आईडियो को सुन भी सकते हैं, प्ले करेंगे। इस समय YouTube और Instagram पर आपको इस तरीके के वीडियो देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको पता है ये वीडियो कैसे बनाए जाते हैं? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारा प्रोसेस। अब हमको जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमने जिस वीडियो को यहाँ पर अपलोड किया था यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वो सेव होना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यू सक्सेसफुल जनरेटेड योर वीडियो, यानी कि हमको बताया जा रहा है कि आपका जो वीडियो है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसको हम ओपन करेंगे। समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आपको इस तरीके के वीडियो देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको पता है ये वीडियो कैसे बनाए जाते हैं? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारा वीडियो कंप्लीट रूप से रेडी है डाउनलोड होने के लिए। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोडिंग कम्प्लीट होने के बाद ये जो आपका वीडियो है ये आपकी गैलरी में, यानी कि आप टॉप की गैलरी या फिर आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाता है। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप DID की वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर 20 यानी कि एक जीमेल के थ्रू आप 20 वीडियो एडिट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर 5 जीमेल हैं तो आप 100 वीडियो यहाँ से एडिट कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और आपकी इनकम यहाँ से बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ लॉगिन करेंगे तो आप हर एक ईमेल से 20 वीडियोस यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो गेस्ट के कैटेगरी से लॉगिन किया था तो यहाँ पर हमारे जो 12 वीडियोस हैं वो एडिट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल हमारे 8 क्रेडिट्स रह चुके हैं, यानी कि अभी हम 8 वीडियोस और यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वीडियो गैलरी में सेव होने के बाद आपको अपने मोबाइल से काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से वीडियो को एडिट करना है। वीडियो के हिसाब से जितनी भी स्पीच वीडियो आपको बताता है उस स्पीच के हिसाब से आपको टेक्स्ट लिखना होगा। उसके बाद में जैसे आप सेव करेंगे वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ वीडियो है वो आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी बता दें कि आपको जितनी भी वेबसाइट हमने बताई है यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया है बस उसी प्रकार से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इस प्रकार से वेबसाइट का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कर इस प्रकार के वीडियो एडिट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए बस थोड़ा सा पागलपन होना जरूरी है। सफल इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते, जिन्हें अपने आप पर और अपने काम पर भरोसा होता है। जिंदगी में सफल वही होते हैं। अगर खुद की पहचान बनानी है तो भीड़ में नहीं अकेले चलना पड़ेगा। यही जिंदगी का दस्तूर है।